नमस्कार दोस्तों, सीड लर्नोपीडिया में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए 26 और 27 फरवरी के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट न्यूज से। आज की जो फर्स्ट न्यूज है वो है US नॉमिनेट्स फॉर्मर मास्टर कार्ड CEO मिस्टर अजय बांगा फॉर वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट। मास्टर कार्ड के जो CEO है मिस्टर अजय बांगा, उनको US ने नॉमिनेट किया है वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट के लिए। ठीक है, ही इज द फर्स्ट इंडियन बॉर्न नॉमिनी फॉर द रोल ऑफ वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट। ये पहले इंडियन है। ही वुड रिप्लेस मिस्टर डेविड मालपास हु विल स्टेप डाउन फ्रॉम हिज रोल दिस जून बिफोर कंप्लीटिंग हिज टेन्योर इन अप्रैल 2024। डेविड मालपास जो है वो स्टेप डाउन कर रहे हैं जून में। उनका जो टेन्योर था वो अप्रैल 2024 तक के था, पर वो पहले स्टेप डाउन कर रहे हैं, तो उनके जगह पे मिस्टर अजय बांगा आएंगे। अजय बांगा का थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ मैं आपको। वो ऑनररी चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स रहे हैं, सर्विंग एज चेयरमैन फ्रॉम 2020 टू 2022। उसी के अलावा उन्होंने जो US के जो वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस, उसके भी साथ में काम किया हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो थोड़ा स्पेस को लेकर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नासा टू लॉन्च इजराइल्स फर्स्ट स्पेस टेलीस्कोप मिशन इन 2026। द US नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा एंड इजराइल्स मिनिस्ट्री ऑफ इनोवेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी साइंड अ पार्टनरशिप डेट विल सेंड इजराइल्स फर्स्ट स्पेस टेलीस्कोप मिशन अल्ट्रासेट इन अर्ली 2026 की शुरुआत में अल्ट्रासेट नाम का एक टेलीस्कोप मिशन है जिसको, जो कि इजराइल का है, नासा उसको लॉन्च करने वाला है। अल्ट्रासेट इज एन अल्ट्रावायलेट ऑब्जर्वेटरी विद अ लार्ज फील्ड ऑफ व्यू दैट विल इन्वेस्टिगेट द सीक्रेट्स ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन इवेंट्स इन द यूनिवर्स सच एज सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स एंड मर्जर्स ऑफ न्यूट्रॉन स्टार्स। जो न्यूट्रॉन स्टार्स है उनका मर्जर और जो सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स है, इसके समान जो भी शॉर्ट ड्यूरेशन की जो एक्टिविटीज़ है उसको स्टडी करने के लिए, उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए ये मिशन चलाया जा रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है सुपर मैग्नेट्स को लेके। वर्ल्ड फर्स्ट सुपर मैग्नेट्स, टोकमाक एनर्जी हैज बिल्ट अ वर्ल्ड फर्स्ट सेट ऑफ हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स टू बी असेंबल्ड एंड टेस्टेड इन फ्यूजन पावर प्लांट्स रेलेवेंट सिनेरियोस। टोकमाक एनर्जी ने वर्ल्ड का पहला सेट ऑफ हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स बनाया गया है और उसको असेंबल और टेस्ट इन फ्यूजन पावर प्लांट रेलेवेंट सिनेरियोस में करने वाला है। क्रिएटिंग सस्टेनेबल फ्यूजन एनर्जी रिक्वायर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपको सस्टेनेबल फ्यूजन एनर्जी अगर बनाना है तो उसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगती है। टू कन्फाइन एंड कंट्रोल द एक्सट्रीमली हॉट पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन फ्यूल विच बिकम्स अ प्लाज्मा सेवरल टाइम्स हॉटर देन सन, इसके लिए आपको हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स लगते हैं। द न्यू डेमो 4 फैसिलिटी विल कंसिस्ट ऑफ 44, ये आप याद रखेंगे, 44 इंडिविजुअल मैग्नेटिक कॉइल्स रिसेंटली मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग 38 किलोमीटर ऑफ HTS टैप विच कैरीज करंट्स विद जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड रिक्वायर्स 5 टाइम्स लेस कूलिंग पावर देन ट्रेडिशनल सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो IPL को लेकर है, वुमेन IPL को लेकर। आफ्टर IPL, IPL के बाद में टाटा बैक्स टाइटल वर्थ फॉर WPL, WPL मतलब वुमेन्स प्रीमियर लीग। टाटा ग्रुप ने जो है टाइटल राइट्स इनॉग्रल वुमेन प्रीमियर लीग के हासिल कर लिया है, जो कि मार्च 4 से चालू होने वाला है, मुंबई में चालू होने वाला है। ये पहला एडिशन रहने वाला है इसका और ये मुंबई के ब्रेबोन स्टेडियम और DY पाटिल स्टेडियम में होगा। द सेल ऑफ मीडिया राइट्स हैड फेच BCCI को इससे 951 करोड़ रुपए मिले हैं एंड 5 टीम्स वेयर सोल्ड फॉर 4700 करोड़। तो मेन्स IPL के बाद में वुमेन IPL का भी जो टाइटल है वो टाटा को मिल गया है, टाटा बैग्स टाइटल राइट्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ डेस को लेकर है। डेस का आपको काफ़ी बार बताया, इंपॉर्टेंट रहता है। वर्ल्ड NGO डे February 27। वर्ल्ड NGO डे मनाया जाता है, जो भी NGO है उसका सोसाइटी को और वर्ल्ड को जो भी इम्पैक्ट करता है, जो भी उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए, उसको सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है। ये जो वर्ल्ड NGO डे है, याद रखो 27 फरवरी। वर्ल्ड NGO डे वॉज ओरिजिनली फाउंडेड इन 2009 में इसका ओरिजिनल फाउंडेशन हुआ था और इसको पहली बार 27 फरवरी 2014 को मनाया गया था, तब से लेके ये कंटिन्यू मनाया जा रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ।
जो नेक्स्ट न्यूज़ है रैंकिंग को लेकर है, रैंकिंग पे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं आपको एग्जाम में। इंडिया रैंक्स 42 अमॉन्ग 55 कंट्रीज ऑन इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स। इंडिया का रैंक 42 है 55 कंट्रीज में इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स के अंदर। इसको रिलीज कौन करता है? तो ये यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स रिलीज करता है। अब इंडिया का रैंक 42 है, फर्स्ट पर आपका यूएसए है, फॉलोड बाय यूके एंड फ्रांस, सेकंड पे आपका यूके है, थर्ड पे आपका फ्रांस है। ये इंडिकेटर क्या दिखाता है? इंक्लूड पेटेंट एंड कॉपीराइट पॉलिसी फॉर द कमर्शलाइजेशन ऑफ आईपी एसेट्स एंड रेटिफिकेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटीज। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो एक प्रोजेक्ट को लेकर है, कश्मीर गवर्नमेंट के ऊपर है। गवर्नमेंट अप्रूव्स 5-year प्रोजेक्ट ऑन इनोवेटिव एक्सटेंशन अप्रोचेस फॉर रिवाइटलाइजिंग। द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज अप्रूव्ड अ 5-year प्रोजेक्ट ऑन इनोवेटिव एक्सटेंशन अप्रोचेस फॉर रिवाइटलाइजिंग एग्रीकल्चर इन जम्मू एंड कश्मीर। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एलोकेटेड 463 करोड़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एलोकेट किया है। ये वाले प्रोजेक्ट के अंदर में क्या होने वाला है? 2000 किसान खिदमत घर बनाए जाने वाले हैं, और इसमें जो भी ऑनलाइन का जो फैसिलिटी है और जो भी टेक्निकल चीज़ें हैं वो किसानों को सिखाई जाने वाली है, ठीक है। द प्रोजेक्ट एम टू प्रमोट सस्टेनेबल एंड प्रॉफिटेबल एग्रीकल्चर विद द, ये अपने जीडीपी के अंदर में एग्रीकल्चर के शेयर को इंक्रीज करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो रेलवेज को लेकर है। कंस्ट्रक्शन वर्क्स ऑन ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन कंटिन्यूज इन रुद्रप्रयाग। प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली अनवील्ड द एम्बिशियस ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन प्रोजेक्ट विद 17 टनल्स कवरिंग 125 किलोमीटर्स। 125 किलोमीटर का एक रेल रूट बनने वाला है जिसमें 17 टनल रहने वाले हैं और वो ऋषिकेश को कर्णप्रयाग से जोड़ने वाला है। इट इज़ एन अंडर कंस्ट्रक्शन रेलवे लाइन विच विल रन फ्रॉम योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन, ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से कर्णप्रयाग, ऋषिकेश से कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग इन उत्तराखंड। इससे क्या होगा? जो चार धाम है आपके यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ, उसकी कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो जूट पैकेजिंग को लेकर है, काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। इंडिया CCAA एक्सटेंड्स जूट पैकेजिंग नॉर्म्स फॉर जूट ईयर 2022-2023। कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स CCEA हैज अप्रूव्ड रिजर्वेशन नॉर्म्स फॉर द मैंडेटरी यूज ऑफ जूट इन फूड ग्रेन्स एंड शुगर पैकेजिंग फॉर जूट ईयर 2022-23। जो भी फूड ग्रेन का और जो शुगर का जो पैकेजिंग होगा उसमें जूट का इस्तेमाल करना अनिवार्य रहेगा। द मैंडेटरी नॉर्म्स प्रोवाइड फॉर अ 20% रिजर्वेशन फॉर द पैकेजिंग ऑफ शुगर, जो भी शुगर को पैकेजिंग करेंगे उसमें 20% रहेगा, एंड अ फुल रिजर्वेशन ऑफ पैकेजिंग ऑफ फूड ग्रेन्स इन जूट बैग्स, और जो फूड ग्रेन्स है वो पूरे के पूरे जूट बैग्स में पैक हो गए। इससे क्या होगा? इससे वेस्ट बंगाल को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि वेस्ट बंगाल में लगभग 75 जूट मिल्स जो कि ऑपरेशन में है। उसी के अलावा ये बिहार को, ओडिशा को, आसाम को, त्रिपुरा को, मेघालय, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, इसको भी काफ़ी ज़्यादा फायदा करेंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च डेवलप वीट वैरायटी टू बीट द हीट। वीट के जो क्रॉपिंग जो रहते हैं उसको हीट काफ़ी ज़्यादा परेशान करती है। वीट का जो लगभग जो साइकिल जो रहता है वो लगभग 140 से 155 दिन का रहता है, जो भी इसका पूरा सोविंग है और बनने तक के। हमारे इंडिया में क्या होता है, जनरली ये नवंबर में वगैरह इसकी सोविंग चालू करते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेटिक कंडीशंस, और ये जाता है आपका समर तक के। अब ये समर में जाने से क्या होता है, ये जो क्रॉप्स रहते हैं इसको हीट अफेक्ट करती है। तो अभी ICAR का फुल फॉर्म याद रखोगे, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, एक नया वीट वेराइटी बनाया है जिसका नाम है HD3385। ये नया वेराइटी ऑफ वे है, इसको क्या करने वाला है, ओवरकम चैलेंज ड्यू टू चेंजेस इन वेदर पैटर्न्स एंड राइजिंग हीट लेवल्स। तो इससे क्या होगा, ये नवंबर की जगह ये जो सीड जो बनाया गया है इसको आप अक्टूबर में वगैरह सो कर सकते हो। तो इससे आपका जो साइकिल है वो वन मंथ पहले ख़त्म हो जाएगा, तो आपको जो हीट है वो उसको बिल्कुल भी उसको हैम्पर नहीं करेंगी। द सोल्यूशन पुट फोर्थ बाय साइंटिस्ट एट ICAR इज टू एडवांस द टाइम ऑफ सोइंग, जो मैं बताया आपको, नवंबर की जगह उसको सोइंग के टाइम को उसको पहले करना है, जल्दी करना है, ताकि उसको हीट अफेक्ट ना कर सके। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है G7 फाइनेंस चीफ्स की जो मीटिंग है वो अभी बैंगलोर में हुई है। जापान चेयर्ड द मीटिंग, जापान ने इसको चेयर किया है, मीटिंग ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स फ्रॉम G7 नेशंस।
द मेन फोकस ऑफ द मीटिंग वॉज ऑन यूक्रेन वॉर, जो यूक्रेन वॉर के कारण जो इकोनॉमी पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है उसको लेके मीटिंग हुई है। ये आप याद रखेंगे G7 में कौन कौन है। G7 में आपका ब्रिटेन है, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है और US है। इसमें इंडिया नहीं है, ठीक है। जो G7 होता है, G8 रहता है, G20 रहता है, उसके अलावा जो SAARC रहता है, उसके अलावा I2U2 है, उसके बाद में क्वाड है, ये जितने भी है इसके आपको मेंबर कंट्रीज पता रहना चाहिए, ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन को लेकर है। इंडिया हैज़ ज्वाइन द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन। इंडिया ने एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन को ज्वाइन कर लिया है। इसका एम क्या रहने वाला है, टू एक्सेलरेट इन्वेस्टमेंट एंड सपोर्ट फॉर क्लाइमेट सपोर्ट एग्रीकल्चर एंड फूड सिस्टम इनोवेशन। ये इसकी जो शुरुआत की है, इसको जो लॉन्च किया है, वो US और UAE ने मिलकर किया है, ठीक है। ये I2U2 बिजनेस फोरम, इसके बारे में आपको हमने लास्ट वीडियो में भी बताए थे। I2U2 बिजनेस फोरम में एक लेटर साइन किया गया है बाय जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स दुमू रावी, इन विच द इंडिया इंटेंशन वॉज एक्सप्रेस टू ज्वाइन द AIM4C, ठीक है। इसके अंदर में ज्वाइन करने का इनका इंटेंशन बताया गया है इंडिया की ओर से, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो ADB को लेकर है। एशियन डेवलपमेंट बैंक प्रेसिडेंट प्रपोजेस $25 बिलियन सपोर्ट फॉर इंडियाज़ डेवलपमेंट प्रायोरिटीज। ADB के जो प्रेसिडेंट है मासत्सुगु अस्कावा जो है श्री नरेंद्र मोदी को मीट किए और उन्होंने अनाउंस किया कि भैया हमारा इंटेंशन है आपको $20 to $25 बिलियन रिसोर्सेस में देना 5 साल के लिए। 5 साल कौन से, तो ये रहेगा आपके 23 से लेके 27 तक के, टू सपोर्ट इंडियाज एम्बिशन फॉर रैपिड इंक्लूसिव और ग्रीन ग्रोथ के लिए। ADB विल प्रोवाइड मल्टीफेसेटेड सपोर्ट फॉर इंडियाज की प्रायोरिटीज इंक्लूडिंग द इम्पॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पुश। अभी आपने देखा होगा देश में काफ़ी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो रहा है PM गति शक्ति स्कीम के अंदर में, तो इसके अंदर में वो फ्यूचर सिटीज़ हो गया, मोबिलाइजिंग डोमेस्टिक रिसोर्सेज हो गया, स्ट्रेंथिंग बेसिक सर्विसेज एंड डिसएडवांटेज डिस्ट्रिक्ट, इसके ऊपर में काम करने वाला है। इसके लिए $25 बिलियन सपोर्ट करने वाला है ADB इंडिया को। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो SBI ने पैसा रेस किया है उसके ऊपर है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रेजेस ₹4544 करोड़ वाया अलॉटमेंट ऑफ 81 बॉन्ड्स। बॉन्ड्स के थ्रू SBI ने 4544 करोड़ रेस किया है। दिस नॉन कन्वर्टेबल टैक्सेबल परपेचुअल सबऑर्डिनेटेड अनसिक्योर्ड फुल्ली पेड अप बेसिल 3 कंप्लायंट 81 बॉन्ड्स लाइक डिबेंचर्स हैव अ कूपन रेट ऑफ 8.20% पर एनम। इसका जो कूपन रेट है वो 8.20% पर एनम है और इसकी कोई मैच्योरिटी डेट नहीं है, ठीक है। और ये अभी जो हमारे जो स्टॉक एक्सचेंजेस है BSE और NSE वहाँ पर लिस्ट होने वाला है। और एक और बात, 31 दिसंबर 2022 के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेक SBI के अंदर में 57.50% है, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके लिए 26 और 27 तारीख के। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को भी लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को इम्प्रूव कीजिए। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और नए करंट अफेयर्स को लेके। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।